من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما Dear students of class 6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بیٹا آج ہم اپنی میتھس کی دوسری کلاس کے ساتھ موجود ہیں گزشتہ کلاس میں ہم نے انٹیجرز پہ کام کیا تھا یونٹ نمبر 4 پہ انٹیجرز آپ جانتے ہیں ये वो ग्रुप होता है विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, सही आदाद का सेट है जिसमें पॉजिटिव मस्बत आदाद, नेगेटिव मनफी आदाद अलॉन्ग विद जीरो सिफर के साथ शामिल होते हैं। ये काम बहुत तफसील से हम सिखा चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में और आज इसी हवाले से हम 4.2 पे काम करेंगे जिसमें हम उसी नंबर लाइन पर एडिशन करना आपको सिखाएंगे। बेटा हमने नंबर लाइन अददी खत सीखा और उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर की जगह मालूम की। उसके बाद हमने इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखा, मतलब कीमत या न्यूमेरिकल वैल्यू, हिंसी कीमत जिसे कहते हैं। और ये बताया गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। फिर उसको हमने हमेशा वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, उसके साथ कोई साइन नहीं होता। नेगेटिव नंबर की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है और उसको फिर हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना सीखा। सऊदी तरतीब असेंडिंग ऑर्डर और नजूली तरतीब यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना डिसेंडिंग ऑर्डर, नजूली तरतीब, उस इन दोनों तरीके से सेट करना हमने सीखा था। आज जो हम काम करेंगे बेटा वो है नंबर लाइन पे प्लस करना। हमारे पास आप देख सकते हैं ये नंबर लाइन हमने बनाई हुई है बेटा। मैं इसमें आपको इस वक्त हम इसमें एडिशन का काम सीखेंगे। आप इस नंबर लाइन की सारी जगह जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इस पे नंबरिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 राइट हैंड साइड पे और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें पहले 0 से लेकर 2 तक जाना है और उसके आगे मजीद 3 स्टेप आगे बढ़ना है क्योंकि 3 के साथ प्लस मौजूद है। काम शुरू करते हैं बेटा। हम जाएंगे 0 से लेके 2 तक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कीमत है +2 तो इस +2 को हम ऊपर लिख देंगे और उसके बाद हम 3 स्टेप, वहां +3 है तो आगे यानी राइट हैंड साइड पे जाएंगे 1 2 एंड 3। कहां तक पहुंचना है हमें? 3 स्टेप आगे जो कि +5 तक पहुंच रहा है। तो जनाब ये हो गया हमारा जमा का काम +2 +3। अब हम इसको देखते हैं कि रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट हमारे पास है 5। 0 से राइट हैंड साइड पे 5 स्टेप तक हम चले गए टोटल। ये हमारे पास नतीजा आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां लिखेंगे हियर +2 ++3 = +5। इसी तरह से अगले सवाल की तरफ आते हैं। हम यहां देखते हैं कि हमारे पास दोनों नेगेटिव नंबर हैं। आप जानते हैं नेगेटिव हमेशा 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है। अगेन हम यहां नंबरिंग शुरू करते हैं बेटा। +1 +2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। क्योंकि -2 की बात की गई है तो हम 0 से किस तरफ जाएंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे।
माइनस टू। फिर है माइनस थ्री, मजीद लेफ्ट हैंड साइड पे वन टू एंड थ्री। माइनस जब भी आएगा आप मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और जब प्लस के नंबर होंगे तो मूव करेंगे आप राइट हैंड साइड पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या शक्ल निकली है। बेटा पहले हम दो कदम आगे बढ़े, फिर हम तीन कदम आगे बढ़े, तो टोटल हम पांच कदम, मगर मनफी पांच कदम। ठीक है, अब इसी का सोल्यूशन आप लिख लेंगे। हियर माइनस टू प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव। हम तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं, प्लस फाइव प्लस माइनस टू। पहले हम इसी तरह से नंबरिंग कर लेंगे बेटा, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। जीरो से हमें कहाँ जाना है बेटा, प्लस फाइव। तो हम जीरो से पांच कदम आगे बढ़ेंगे, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहां से यहां तक। हमारे सवाल का अगला हिस्सा है माइनस टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे दो कदम जाइए। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। माइनस हमेशा कहां जाता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे जाता है। याद हो सकता है। अब आपका जवाब क्या बना बेटा, जवाब है हमारा ये हिस्सा है आंसर। हियर प्लस फाइव प्लस माइनस टू, तो जमा पांच हुए, उल्टे दो कम हो गए, तो अब हमारे पास क्या बच गया जवाब, प्लस थ्री। अगले सवाल में बेटा माइनस फाइव प्लस टू, यानी हमें पहले जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे फाइव स्टेप लेने हैं और फिर राइट हैंड साइड पे टू स्टेप की तरफ जाना है। यहां फिर हम अपना काम शुरू करते हैं बेटा। माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, यहाँ एरो हेड जरूर लगाइएगा बेटा, हम भूल गए थे लगाना, अब हम लगा चुके हैं एरो हेड, क्योंकि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड होती रहती है, हो सकती है। अच्छा क्वेश्चन है माइनस फाइव, माइनस फाइव का मतलब है कि पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड पे पांच स्टेप आगे बढ़ना है। जीरो ऑलवेज बी द सेंटर ऑफ वर्किंग, ठीक है बेटा, जीरो से लेके हमारे पांच तक जाइए, वन एंड टू दो स्टेप राइट हैंड साइड पे मूव कीजिए। जवाब हमारा आ गया ये बचा हुआ जीरो से लेके तीन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास सिर्फ ये सारी कहानी राइट लेफ्ट अप डाउन। क्वेश्चन है माइनस फाइव पहले और उसमें जमा करना है प्लस टू। पहले हम पांच कदम लेफ्ट साइड पे मूव किया और फिर उसी में से रिवर्स हो गए टू स्टेप राइट हैंड साइड पे, तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बी अवर आंसर। अगले सवाल में हमारे पास दो तरह की बात की गई है, तीन स्टेप। देखिए तरीक़ेकार जो पहले सिखाया वही अब भी होगा, यही काम आपको बेटा करना है लेकिन तीन स्टेप में। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर
प्लस फाइव प्लस सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। अच्छा जी, पहले सवाल में है जमा दो, यानी जीरो से राइट हैंड साइड पे दो स्टेप आई है, फिर कहते हैं प्लस प्लस थ्री, फिर मजीद तीन स्टेप वन टू एंड थ्री, तीन स्टेप मजीद राइट हैंड साइड पे आई है, फिर कहते हैं प्लस वन, एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, जब जब प्लस होगा राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। जवाब क्या है आपके पास? टोटल सिक्स। हियर प्लस टू प्लस प्लस थ्री प्लस प्लस वन इज इक्वल टू प्लस सिक्स। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया हो। अगर यही सवाल माइनस के साथ हो, यही सवाल माइनस के साथ हो तो क्या होगा बेटा? आप राइट के बजाय लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, जीरो से टू, तीन स्टेप और लेफ्ट, एक और लेफ्ट, काम वही है, बस आपको साइंस का ख्याल रखते हुए एरो हेड मूव करवाना है। अब आपके पास क्या होगा बेटा? इसका जवाब कैसे बन जाएगा? हियर माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स। जी बेटा, आप देख सकते हैं किस तरह हमने ये काम किया है। प्लस के साथ नंबर लाइन पे एडिशन दिखाया, माइनस के साथ नंबर लाइन पे एडिशन दिखाया, फिर हमने प्लस और माइनस के साथ एडिशन दिखाया आपको, फिर माइनस और प्लस के साथ एडिशन दिखाया, और आखिर में हमने आपको ये भी सिखा दिया कि अगर दो से ज्यादा भी नंबर हो तो किस तरीके से आपने जमा करना है। अब हम आते हैं अपनी कॉपी के काम की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। हमने आपकी आसानी के लिए पहला सवाल का पहला हिस्सा सॉल्व कर लिया है, प्लस टू एंड प्लस सेवन, इसको हमने नंबर 9 पे शो किया, इसका जवाब 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, माइनस माइनस दोनों माइनस है, नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, माइनस 11। और थर्ड क्वेश्चन, प्लस एंड माइनस पहले प्लस पे गए फिर माइनस पे गए। इसके बाकी तीन क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आप देख सकते हैं तीन स्टेप हैं, वो हमने आपको सिखा दिया, आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। तो हमारा आज का जो होमवर्क बेटा बन रहा है वो है 4.2 एक्सरसाइज नंबर, उसका है क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उम्मीद करते हैं अभी क्लास में आप अपने इस काम को मुकम्मल करके हमारे साथ मौजूद होंगे। तो